हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने इससे पहले डाटा एंट्री की वीडियो बनाई थी, डाटा एंट्री फ्रॉड पार्ट 1। तो उस पर 50,000 लोगों का व्यूज़ आया है। मतलब मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और सब मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, इवन मेल करते हैं कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। और मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया हुआ था कि ऐसे ऐसे करना है आपको, ऐसे ऐसे करना है, बट स्टिल सब पूछ रहे हैं कि कैसे क्या करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। और ये मेरे साथ पिछले साल हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया था, और वो मेरे पीछे पड़ गए थे एंड आई वॉज लाइक कि क्या होगा क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी मैं कि जो आपको नहीं करनी है, और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो आपको करनी है, जो आपको बेसिकली करनी ही करनी है, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको अपना पुराना वाला बताती हूँ। तो पुराने वाले में क्या हुआ था कि वो लोग आए थे, उन्होंने मुझसे बात की थी, उन्होंने कहा ऐसे 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 करना है। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, और बट मेरे साथ एक दो दिन में ही ऐसा हो गया था। और उस टाइम ये जो चीज़ें थी वो बहुत कम हो रही थी, और इस टाइम पे वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि आप मेरे कमेंट से, जो मेरा फर्स्ट वीडियो है उसका लिंक ऊपर दे देती हूँ मैं, उसमें जाके देखो। मतलब इतने सारे लोगों ने कमेंट किया, और मुझे डेली के 100 मेल्स आते हैं, आप मानोगे नहीं। और DMs पे तो इतने DMs भर जाते हैं, मेरा इंस्टाग्राम DM फुल हो जाता है, लोग कमेंट करते हैं और बार बार बोलते हैं हेल्प हेल्प हेल्प, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले उन लोगों को ब्लॉक कर देना है उनका। मतलब उन्होंने मेरे पे 2 बार ट्राई किया तो कुछ हुआ नहीं। उसके बाद उन्होंने अपना सोकॉल्ड लॉयर बुलाया तो उससे भी कुछ नहीं हुआ, उन्होंने मुझे मेल भी किया था। तो अब ये लोग हो गए हैं बहुत ज़्यादा शातिर, क्योंकि कुछ लोगों ने, जैसे मेरे जैसे लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उन लोगों को पता चल गया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो वो लोग बहुत ही स्मार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो उनका जो वो एग्रीमेंट बनवा के देते हैं ना, उसकी जो स्टैम्प होती है और जो उसका नेम होता है, एक्चुअल नेम उनकी कंपनी का, वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट होता है। फर्स्ट थिंग, दोबारा से, जो उनका कंपनी नेम होता है और जो उनकी स्टैम्प होती है, उसको आपको दोनों को पहले टैली करना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या करना है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाते हैं तो वो कहते हैं मैम जल्दी कर दीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है, ये है वो है, ठीक है। तो आपको कोई भी, आप किसी भी चीज़ में जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट को रीड करना है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकंड थिंग, कि अगर कोई भी आपको हैरेस कर रहा है, या फिर इंस्टा पे कर रहा है, या कहीं पे भी हैरेस कर रहा है, तो आप उसकी साइबर क्राइम सोसाइटी में रिपोर्ट करवा सकते हो। हाँ, और मेन थिंग कि उस टाइम आई वॉज अ पार्ट ऑफ साइबर क्राइम सोसाइटी, तो मैंने उन सर से भी पूछा था, तो दे हेल्प मी अलॉट कि ऐसे ऐसे करना होता है, ये करना होता है, ये फेक होता है, ये रियल होता है, ठीक है। तो आप लोग भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, आप लोग नॉर्मली भी साइबर क्राइम सोसाइटी वालों को फ़ोन कर सकते हो, अगर आप कभी भी हैरेसमेंट का फील कर रहे हो या कुछ भी फील कर रहे हो, तो आप उनको बोल सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो लोग आपकी हेल्प नहीं करेंगे, आपको सुनेंगे नहीं। और अगर वो लोग आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो आप लोग FIR भी करा सकते हो। यस, आप लोग FIR भी करा सकते हो, ठीक है। और अब हाँ, कम टू द पॉइंट, तो वो लोग अब क्या कर रहे हैं, अब वो लोग बहुत ही ज़्यादा कॉल्स करते हैं, मतलब अलग अलग नंबर से, मतलब किसी को भी हैरेस करने के लिए, परेशान करने के लिए, और वो गालियाँ भी देते हैं। आई थिंक शायद मुझे एक दो इंस्टाग्राम पे लोगों ने बोला कि वो लोग गालियाँ भी देते हैं, तो ठीक है। तो और हाँ, उससे भी पहली बात आप कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना है। अभी तक शायद मैं अभी, मतलब मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे DM में लोगों की सुनी, मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बोला कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, पेरेंट्स हमें डांटेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। पहले मुझे भी लगा था कि मेरे पेरेंट्स भी मुझे डांटेंगे, बट वो नहीं डांटते हैं, वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं। तो आपको कुछ भी चीज़ आपके साथ होती है, तो आपको अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करनी है, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको साइबर क्राइम सोसाइटी वालों का नंबर दे देती हूँ, आप लोग इनको कभी भी कॉल कर सकते हो। मतलब मैं नहीं हूँ साइबर क्राइम सोसाइटी में, बट हाँ, अब नहीं हूँ, बट आप लोग वो आपकी श्योरली हेल्प करेंगे, ठीक है। और ऐसे डरना नहीं, और पैसे तो उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं देने, क्योंकि कोई भी कंपनी कभी भी पैसे नहीं मांगती है अपने एम्प्लॉय से, और उन पर केस नहीं करती है। तो ऐसे डरने वाली आपकी कोई बात नहीं है, ठीक है। और प्लीज़ आप इतना पैनिक मत होना, ठीक है। आप लोग, अगर आपको फिर भी कोई हेल्प चाहिए हो, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो। फर्स्ट थिंग उनको ब्लॉक कर देना है, ब्लॉक करना ही करना है, ठीक है। और वो लोग उसके बाद, जैसे एक महीना हो जाएगा या टाइम स्पैन ख़त्म हो जाएगा, तो वो लोग आपको मेल भी करेंगे, और वो लोग ऐसे मेल करते हैं, मतलब लॉयर वॉयर, मतलब कुछ ऐसे एडवोकेट करके खुद की जीमेल आईडी बना लेंगे और उससे आपको मेल करेंगे, तो वो भी फेक ही होती है। और उनका जो उस पर लिखा होता है कि ये होगा, ये होगा, वो सब भी फेक होता है। वो उनका बस आपको पैसे लेने का एक ज़रिया होता है कि ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे। तो उन सब पे भी आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और क्या करना है आपको, और अपने घर वालों को शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, और सबको शेयर करना है, ठीक है। तो
इतना डरने की बात नहीं है, और आपको फिर भी डर लग रहा है तो आप फिर भी मेरे को मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो, बट मैं इतने सारे मेल्स और डीएम्स नहीं पढ़ सकती, आप समझ रहे होगे। तो फिर वो मैसेज आता है तो आप लोगों को खुद से स्ट्रांग होना पड़ेगा। और गाइस मुझसे कमेंट में इतने सारे लोग पूछते हैं कि ये वाली कंपनी, ये वाली कंपनी, ये वाली कंपनी, ये वाली कंपनी, तो उनके अलग अलग नेम्स हैं, एज सच कोई एक पर्टिकुलर नेम नहीं है, बट जब आप उनसे बात करोगे ना तो उनका जो एक्सेंट है ना वो सबका ही सेम है, सबका, ऑलमोस्ट सबका सेम है। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ कि जो भी क्विकर पे ऐसी डाटा एंट्री वाली वेबसाइट्स है ना, वो सभी फेक हैं। सॉरी बट मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट ऑलमोस्ट सभी फेक हैं। और आपको कभी भी कॉपी पेस्ट या डाटा एंट्री के काम में कभी भी 4,000, 5,000, 6,000 से ज़्यादा नहीं मिलता है। और ये लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि ये लोग 25,000 देंगे आपको पर मंथ, सॉरी पर मंथ नहीं, पर वीक, ठीक है। तो पहले जब मतलब मैंने तो लास्ट ईयर ही किया था, तो लास्ट ईयर किया था कि बहुत ज़्यादा कोरोना था और थोड़ी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी, तो मैंने इसलिए वर्क फ्रॉम होम ऑप्ट किया था। और अभी तो आप लोग कर सकते हो, आप लोग बाहर जाके वर्क कर सकते हो, ऐसे डाटा एंट्री क्या करना है आप लोगों को जो। और पता है पहले वाली वीडियो पे भी मैं सोच रही थी कि मुझे नहीं लगा था कि इतने सारे लोग, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगा था कि इतने सारे लोग देखेंगे, बट लाइक लिटरली 50,000 एंड 2,000 प्लस उस पर कमेंट्स हैं कि ये हो गया, ये हो गया, कौन सी कंपनी है, और उन सबका एक्सेंट सेम है। मैं शायद पिछले वीडियो का आपको कुछ दिखाऊंगी और यह बताऊंगी, ठीक है। तो प्लीज़, और मैं अभी भी नहीं चाहती कि इस वाली वीडियो पे भी इतने ज़्यादा व्यूज़ आएँ, क्योंकि क्योंकि अच्छा नहीं है ऐसा, मैं नहीं चाहती कि कोई हर्ट हो। तो हाँ, तो थैंक यू गाइस, बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही है, ठीक है। और स्पेशल ये मुझे बताना है कि जो ये मेरा चैनल है, इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और जो ये मेरा चैनल है, मैं इस पर अपनी अपने लाइफस्टाइल और अपने डेली ब्लॉग्स डालती हूँ, तो आई नो आप लोग मुझे किसी चीज़ के लिए या किसी के लिए फॉलो करते हो, तो प्लीज़ मेरी बाकी वीडियोज़ भी देख लेना। ओके, बाय।